Uh, कई ऐसे पौधे यहाँ पर हमने अभी लगाए हैं जिसमें जो पत्ता है वो छितरी हो जाता है लोग सोचते हैं अरे ये तो बीमार हो गया मर गया इसको उखाड़ दो जला दो फेंक दो ऐसे मत कीजिए ये नेचुरल प्रोसेस है भाई आप जंगल में जाके कोई क्या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालता है नहीं डालता ना वो उगी रहा है ना वहाँ पे तो इसको नेचुरली उगने दीजिए इसका एक अपना बायो इंजीनियरिंग है इसकी अपनी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो इसकी अपनी फिजियोलॉजी है वो अपने आप डील कर लेगा इसको हाँ आप बस इसका खाद पानी ठीक रखिए और इसको ग्रेजिंग एनिमल से बचाइए ह्यूमन बींग से बचाइए एनक्रोचमेंट से बचाइए बाकी ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि ये पत्ता येलो कलर का हो गया ब्राउन कलर का हो गया इसमें होल हो गया इतना नहीं है जैविक खाद डालिए ठीक है केमिकल्स बिल्कुल मत डालिए हम अपने प्लांटेशन साइट पे चाहे कुछ भी हो जाए पौधे को हम केमिकल नहीं डालते और एक आध साल के अंदर हमारे पौधे सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं और सबसे ज्यादा खुश रहते हैं और बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं और खूब बायोडाइवर्सिटी आती है इस पर